संस्कृत छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया। इस विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी भी उपस्थित रहे। यह योजना कक्षा 6 से स्नातकोत्तर तक संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए शुरू की गई है। कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा के अनुसार इस छात्रवृत्ति से विश्वविद्यालय के 36, वाराणसी के 4203 और पूरे प्रदेश के 64,438 छात्रों को लाभ प्राप्त होगा। छात्रवृत्ति के तहत कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को मासिक 50 से 75 रुपए, कक्षा 9 से 10 तक के छात्रों को 100 रुपए, 11 से 12 तक के छात्रों को 150 रुपए, शास्त्रीय स्तर के छात्रों को 200 रुपए और आचार्य स्तर के छात्रों को 250 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। नहीं मिलती थी उसमें भी आय सीमा जोड़ दी गई, तो हम लोगों ने कहा नहीं, संस्कृत के साथ जुड़ने वाले हर छात्र को यह स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। और आज जिस स्कॉलरशिप को हम लोगों ने वितरण कार्य प्रारंभ किया है, यह मेरा सौभाग्य है कि दीपावली के पहले यह अवसर प्राप्त हो रहा है हमें। दीपावली के ठीक पहले यानी कल तक इन 69,195 छात्रों के अकाउंट में ये धनराशि उनके अकाउंट में कल पहुंच जाएगी, बैंक खुलते ही ये अकाउंट में पहुंचेगी।